जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूँ बिहार एसएससी की। बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण नोटिस आ चुका है, ठीक है। महत्वपूर्ण नोटिस की बात की जाए तो बिहार एसएससी जो CGL 3 का एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और यहाँ पे सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि PT का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अद्यतन स्थिति आयोग की वेबसाइट की बात की जाए तो bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है, ठीक है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे, ठीक है। इसके बाद तो चलिए यहाँ पे इसका शेड्यूल, एग्जाम का शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित परीक्षा का अद्यतन, ठीक है। ये सब तो दिया हुआ है। यहाँ पे थर्ड नंबर पर देखते हैं, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रियाधीन है जिसके विभिन्न चरणों में कार्यक्रम की समय सीमा निरूपण है, यानी देखते हैं नीचे में। तो यहाँ पे बिहार एसएससी CGL 3 की बात कीजिए, यहाँ पे PT की बात कीजिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा संभावित डेट यहाँ पे दिया गया है 26 और 27 नवंबर को, ठीक है, नवंबर 2022 में, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षाफल यानी कि रिजल्ट जो आने वाला है, PT का रिजल्ट आएगा आपको 20 से 30 जनवरी 2023 के बीच आ सकता है। इसके बाद मेंस PT में जो लोग पास होंगे तो मेंस का भी फॉर्म भरना पड़ता है दोबारा से। तो मेंस परीक्षा का आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि होगा आपको फरवरी में, यानी कि जनवरी में रिजल्ट आएगा और फरवरी में आपको उसका मेंस का फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। और मेंस का भी डेट यहाँ पे दिया गया है आपका मार्च 2023 में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और मेंस का यानी कि एक महीने के बाद कीजिएगा, एक महीना में मेंस फॉर्म भरिए मेंस का, इसके बाद एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो मेंस का रिजल्ट भी देख लीजिए एक महीना बाद, यानी कि अप्रैल 2023 में आपका संभावित है। इसके बाद अनुशंसा का प्रेषण की बात कीजिएगा तो मई जून 2023 में आपको होने जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका बिहार SSC का नोटिस, यानी कि कल की बात कीजिए तो यहाँ पे 9/9/2022 को आया था, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को नोटिस आ चुका है। धन्यवाद।